दक्षिण भारत का सबसे लोकप्रिय भव्य और सुंदर मंदिर तिरुपति बालाजी का मंदिर, जहां से निकलते हैं करोड़ों रुपयों के बाल। मान्यता है कि जो भी भक्त इस मंदिर के दर्शन के लिए आता है, वो अगर यहां अपने पाप और बुराइयों को छोड़ जाता है तो उसके घर में शांति रहती है और मां लक्ष्मी का वास बना रहता है। लेकिन यहां बुराइयों को अपने मन से त्याग देना काफी नहीं है। ऐसा माना जाता है कि लोग अपने बालों के रूप में अपने पापों और बुराइयों को यहां छोड़ जाते हैं। कई भक्त अपनी मन्नत पूरी होने पर भी यहां अपने बालों का दान करते हैं। रोजाना के तौर पर हजारों लाखों भक्त बाबा तिरुपति के दर्शन के लिए आते हैं और ना जाने कितने बाल दान कर जाते हैं। सैकड़ों टन बाल यहां से बाहर सप्लाई किए जाते हैं। करीब 5 ट्रक बाल रोज के तौर पर हमारे सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ही खरीदते हैं। लेकिन सवाल ये कि इतने बालों का क्या किया जाता है? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के मुताबिक वर्धा के महात्मा गांधी विज्ञान संस्था ने शोध करके कटे हुए बालों से अमीनो एसिड बनाया। परिवहन मंत्री ने उस एसिड को अपने खेतों में इस्तेमाल किया, जिसका उन्हें बहुत फायदा मिला, जिसके जरिए गडकरी ने किसानों की मदद करने की सोची और कटे हुए बालों से अमीनो एसिड बनाने वाली एक यूनिट अपने गांव में लगाई, जिससे लोगों को बहुत फायदा मिल रहा है। गडकरी बताते हैं, प्लांट में कटे हुए बालों से तैयार अमीनो एसिड की एक बोतल की कीमत 900 रुपए होती है, जिसे मात्र 300 रुपए में बेचते हैं। दुबई सरकार से भी इसके लिए 180 कंटेनर का ऑर्डर मिला है, जिसमें से 40 कंटेनर की आपूर्ति भी की जा चुकी है। कटे हुए बालों से तैयार अमीनो एसिड से करीब 12 से 15 करोड़ रुपए का फायदा मिल रहा है, जबकि इसे लागत की कीमत पर ही बेचा जा रहा है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित तिरुपति बालाजी के मंदिर को सिर्फ बालों के दान और उससे होने वाले मुनाफे के लिए सबसे धनवान मंदिर माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय बालों की कीमत बहुत ज्यादा है, क्योंकि भारतीयों के बाल वर्जिन हेयर होते हैं। उस पर किसी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता, जिसमें कैरोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इकट्ठे हुए बालों को साफ करने के बाद, फंगस बैक्टीरिया से मुक्त करने के बाद बालों को ऑस्मोसिस बाथ कराया जाता है। फिर इन बालों को निर्यात किया जाता है और तरह तरह के केमिकल्स बनाकर इससे करोड़ों का मुनाफा कमाया जाता है।